अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरा संडे ब्लॉग चल रहा है तो आज हम जाएंगे मेरी ननद के घर पे। तो ये मैं अपने बच्चों का घर के सब वॉश कर रही हूँ। नाश्ता हमारा हो चुका है और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। ये देखिए, आज नाश्ते में था आलू का पराठा, हम लोग खा चुके हैं और ये बर्तन तब वॉश करके फिर लोग रेडी होंगे। अस्सलामुअलैकुम, ये मेरा आउटफिट है, मैं रेडी हो रही हूँ, आपसे दिखा देती हूँ। ये दुपट्टा है, ये कमीज है, पीछे प्लाजो है। मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे बच्चे भी रेडी हो गए हैं और बस ये रूम को थोड़ा सा क्लीन करना है और फिर हम निकलेंगे। मेरा सामान सब पैक हो गया, ठीक है, हम निकलेंगे तो आपको बताते हैं। यही हम लोग नसीमा के घर पहुंच गए। उसका घर पहले माले पे है तो ये सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रही थी। फिर हम लोग ने नाश्ता उस्ता किए, सब खा चुके थे और फिर इन्होंने हुमैरा को देखे, सब बच्चे एक दूसरे से मिले, बहुत खुश थे, बहुत मस्ती किया। फिर उसके बाद में हम लोग ने खाना खाए, टाइम हो चुका था, 3:30 बज रहा था। फिर उसके बाद में हम लोग शाम के टाइम पे गए बिरला की मार्केट करने के लिए। अच्छी लग रही है ना, नहीं तो साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। चलो मार्केट से आने के बाद फिर हम लोग घर जाने की तैयारी करने लग गए। फिर हम लोग मुंडा पहुँच कर वहाँ पे मित्तल ग्राउंड के सामने जो ये गाड़ी की दुकान है वहाँ से हम लोग गाड़ी लेकर लग गए थे, क्योंकि मेरी ननन को गाड़ी चाहिए थे। कॉटन भी वहाँ पर ये पर्दे भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था इसका। और ये है मेरा चीपा। देखो देख 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 उसको कीड़ा पकड़ा रहा, देख वो उसको बहुत पसंद है, पता हाँ। नहीं क्यों कीड़े, अभी उसका पिलौदा निकालेगा बेटा, हटा दे उसके हाथ से। उड़ी उठो कुरहान, उठ जाओ वहां से। अरे देखा
ऐसा लग रहा है इनकी दुकान है। आँख बंद कर दे। अब आ गए हैं, ये देखिए पूरा क्लीन करके सब करके गए थे, उसके बाद ये देखिए हेलो। अब मैं बनाऊंगी फटाफट खाना, टाइम हो रहा है 9:30, बहुत ज़्यादा मार्केट में टाइम हो गया, लेट हो गया, 9:30 बज रहा है। अब स्टार्ट करती हूँ पकाना। ओके, क्या पकाती हूँ देखती हूँ ज़रा। खाना बन रहा है, साथों साथ सफाई भी होती जा रही है। ये देखिए मेरा बेटा ये करके गया, इसमें का एक पॉट लिया है, उसके अंदर का निकाल दिया है अपने फिश टैंक के लिए। सफाई भी होती जा रही है, बर्तन भी धुलते जा रहे हैं, काम भी होता जा रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, थकान इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्या बताऊँ, अब खड़े रहना मुश्किल है। बस ये उबले और फिर इसको दम पे लगाऊँ और रख दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अब रात हो गई और सो जा रहे हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज़।